हेलो गाइस, क्या हाल आपका। मैं भी ठीक हूँ। तो क्या क्या हो रहा है आज। आज तो तबाहियाँ मच गई हैं। पता नहीं, दिसंबर का महीना तबाही का महीना होने वाला। फायर होगा फायर। पहले तो एनिमल और सैम बहादुर रिलीज हुई, फिर उसके बाद सलार वालों ने भी अपना ट्रेलर डाल दिया। उन्होंने कहा हम पीछे कहाँ से रहे, ट्रेलर डाल ही दिया। आज ही के दिन डालना था क्या। उन्होंने डाला डाला तो डंकी वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने भी ड्रॉप अपना 3 डाल दिया। अभी भी पूरा नहीं हुआ। रॉकस्टार वालों ने अपनी GTA 6 के ट्रेलर की अनाउंसमेंट कर दिया। और आप, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो, वो देख लेना जाके। तो स्टार्ट करें। दूर कहीं एक प्रांत में कौन है रे? कौन है? अरे देवा छोड़ना, जाने देना यार। बता मुझे कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। खोल के लिए फाइट। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू, मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे। उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना दिया और इस खानसार को साम्राज्य बना दिया। यहां पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वर्धराज मन्नौर को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। क्या ही सेट बनाया है यार। राज मन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। राज मन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? नारंग रशियंस को लेके आया है। गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। अभी अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद कौन कौन आएंगे, कितने आएंगे नहीं पता। तू बोल कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम? एक भाई बता मुझे। देवा हमारी आर्मी किधर है? बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। वी आर ऑल वायलेंट मैन। हमारे खून में ही वायलेंस है। कणों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। मैंने कहा था ना छूना नहीं। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है। तूने सुना ना? वो सब मुझे चाहिए। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्लीज। आवाज काफी अजीब लग अजीब से लग रही है। काइंडली यही था गाइस पार्ट 1 सीजफायर सलार का। तो जिस तरह का इसका नाम है सलार, उसी तरह की इन्होंने स्टोरी रखी है। मगर अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि KGF से कैसे लिंक होगी कहानी। मगर नहीं होगी तो इन्होंने तो धोखा दे दिया यार। ये तो धोखा हुआ, सरासर धोखा हुआ। अब मुझे नहीं बताया जा रहा क्या किए क्या होगा। देखते खतरनाक सा लग रहा है। जो VFX की कमी KGF में थी ना, वो इन्होंने यहाँ पे पूरी कर दी यार।
KGF 2 में भी अच्छा था VFX, मगर 1 में जो, या फिर 2 में ट्रक, 2 में ट्रक उड़ता है ना या फिर 1 में उड़ता है, तो वो काफी अनरियलिस्टिक सा था, वो पता लग जाता देखते यार। मगर इसमें, और वो जो शुरू में सेट वगैरह बनाया, मैंने नहीं इतना एक्सपेक्ट किया था, मेरे एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं मेरी, क्योंकि मैं एक्साइटेड था ही नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन तो थी मगर एक्साइटेड नहीं था मैं, क्योंकि GTA 6 अनाउंस हो गई थी, मैं उधर ही पागल हुआ था। मगर यार टाइम क्या बनाया यार, कूल तो लग रहा था स्क्रीन प्ले। तो कैसे आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, मेरा रिएक्शन पसंद है। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोट कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पर रुकूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और हाँ, डंकी के वीडियो में आ जाना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।